अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू होप यू हैव इन्जॉय दी देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स काइंड्स ऑफ टेबल देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने टेबल्स डिस्कस किए टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और आप जान गए कि टेबुलर प्रेजेंटेशन में क्या होता है हम डेटा को इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स प्रेजेंट करते और वो टेक्निक्स भी आप जान गए कैसे करना होता है और कुछ गाइडलाइंस होती है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेबल और आप वहाँ जान गए कि ऐसी कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि टाइटल कम्पटेबल होना चाहिए ऑब्जेक्टिव के साथ कंपैरिजन फैसिलिटेट होना चाहिए कुछ चीज़ों पे स्पेशल एम्फेसिस होना चाहिए टेबल का साइज़ आइडियल होना चाहिए स्टब्स अच्छी तरह ओपन होने चाहिए ज़ीरो का इस्तेमाल सिर्फ क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल होना चाहिए हेडिंग्स अच्छी तरह डिफ़ाइन होनी चाहिए और फुट नोट्स वगैरह यूनिट्स ये सब चीज़ें वहाँ डिफाइनड होनी चाहिए चलिए आज हम सब टेबल की तरफ आते हैं देखिए जहाँ तक टेबल्स का ताल्लुक है हमारे पास तीन बेसिस है थ्री बेस ऑफ क्लासिफाइंग टेबल वी हैव पर्पज ऑफ ए टेबल दैट्स अकॉर्डिंग टू परपज देन अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी इन दंस्ट्रक्शन एंड एकफाइंग टेबल्स ऑन द बेस ऑफ परपज दिजिटी एंड ऑन द बेसट्रक्शन फिर जहाँ तक और इसपज का ताल्लुक है पर्पज के हिसाब से हमारे पास दो तरह के टेबल हो सकते हैं वी है जनरल परपज टेबल एंड स्पेशल परपजल फिर एकॉर्डिंग टू ऑरिजनलिटी दो तरह के होते हैं ऑरिजनल टेबल होते हैं और डेराइव टेबल होते फिर एकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन इसमें हमारे पास सिंपल और वन वे टेबल होता है फिर कंप्लेक्स टेबल होता है जो कम्पलेक्स होता है उसमें डबल और टू वे टेबल होता है ट्रेबल आर थ्री वे टेबल होता है और मैनी फोल्ड टेबल विज मोर देन थ्री कैरेक्टर्स राइट तो चलिए हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए जो हमारा पहला जनरल पर्पस टेबल है ये वो टेबल होता है विच इज ऑफ जनरल यूज जनरल यूज के लिए होता है राइट इट डज नॉट सरू एनी स्पेशल पर्पस और स्पेसिफाइड प्रॉब्लम आटर कंसिडरेशन इसमें हम किसी खास स्पेशल प्रॉब्लम को स्टडी नहीं करते बस इन टेबल्स का अगर हम देखें तो ये जस्ट डेटा बैंक होते इनमें सिर्फ डेटा होते फॉर द यूज ऑफ रिसर्चर्स फॉर दियर वेरियस स्टडीज और इन टेबल्स का जहां तक ताल्लुक है दीज आर अटैच्ड टू तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफिशियल रिपोर्ट्स से रिलेटेड होते हैं अटैच्ड होते हैं जैसे सेंसिस रिपोर्ट्स से इंडिया में और इनको रेफरेंस टेबल भी कहा जाता है रेफरेंस टेबल समझ गए आप फिर दूसरा होता है स्पेशल पर्पस टेबल देखिए स्पेशल पर नाम से ही पता चलता है ये प्रिपेयर्ड होता है विद सम स्पेशल पर्पस इन माइंड स्पेशल पर्पस इन माइंड जनरली दीज आर स्मॉल लिमिटेड टेबल्स ये छोटे टेबल्स होते हैं लिमिटेड टू द प्रॉब्लम होते हैं अंडर कंसंट्रेशन और यहां जो डेटा होती है इट इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ द रिजल्ट ऑफ एनालिसिस जो हमें एनालिसिस से रिजल्ट मिलता है वो स्पेशल पर्पज में दिया होता इसलिए एंड टेबल्स को हम समरी टेबल्स भी कहते हैं, राइट सो जनरल टेबल्स को रेफरेंस टेबल्स कहा जाता है स्पेशल टेबल्स को समरी टेबल्स कहा जाता है

then the most important type is according to construction construction ke hisab se tables do tarah ke hote hain we have the simple one way table or the complex table ye simple one way kya hota hai dekhiye ye jo simple table hota it is the one which shows only one characteristic सिर्फ one characteristic of data simple table में दिया जाता है. कैसे लेट्स रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ अ टेबल देखिए इट शोज द नंबर दिस टेबल अस टेक द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज या इन योर स्कूल ठीक तो ऑन फर्स्ट साइड वी शो शो क्लास. इन द नेक्स्ट कॉलम वी शो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखिए आपकी नाइन्थ क्लास है इसमें जो रोल है इट्स वन हंड्रेड फिफ्टी देन वी हैव टेंथ क्लास इट्स टू हंड्रेड देन इट्स अलेवंथ क्लास इट्स अगेन वन हंड्रेड फिफ्टी देन इट्स ट्वेल्थ क्लास इट इज हंड्रेड वट वी शो इन द टेबल वी शो अ सिंपल डेटा रिप्रेजेंटिंग द रूल ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट क्लासेस स्कूल यहाँ हमें दो कॉलम्स के अलावा किसी और चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती है वट वट वी नीड इज जस्ट वन कॉलम फॉर द्लास एंड नंबर सेकेंड कॉलम फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट तो टोटल हमारा क्या है सिक्स हंड्रेड ऐसे टेबल को हम सिंपल टेबल कहते हैं ओनली इट शोज ऑनली वन करेक्टर

अगेन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल यही टेबल हम यूज़ करेंगे फिर से हमारे पास क्लास है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है लेकिन यहाँ हम दो करेक्ट स्टडी करते हैं आपके स्कूल में बॉयज भी हैं गर्ल्स भी हैं जैसे ऊपर हमने वन फिफ्टी लिया ये टोटल था इनमें से बॉयज़ कितने होंगे गर्ल्स कितने होंगे टू वे टेबल में हम इनको अलग अलग रिप्रजेंट करते हैं देखिए लेटस अगेन टेक क्लास नाइन्थ देखिए नाइन्थ में हमारा वन फिफ्टी टोटल लेटस सपोज एटी आर बॉयज़ सेवेंटी आर गर्ल सो वन फिफ्टी को हमने बाईफ्रिकट किया बॉयज़ और गर्ल्स में इस तरह फिर टेंथ है इसमें सो बॉयज़ सो गर्ल्स अगेन टोटल टू हंड्रेड समझ गए फिर अलेवंथ है सेवेंटी फाइव बॉयज़ सेवेंटी फाइव गर्ल्स टोटल इज वन फिफ्टी दैन ट हंड्रेड था ये सिक्सटी एंड फोर्टी इज इक्वल टू हंड्रेड तो दो चीज़ें हमने इस टेबल में दिखाई वी शोड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द बेस ऑफ दियर सेक्स दैट्स मेल एंड फीमेल बॉयज एंड गर्ल्स तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा ये टेबल शो करता है बॉयज एंड गर्ल्स देन दियर टोटल सो टोटल क्या होगा टोटल बॉयज टोटल कीजिए सिक्स हंड्रेड रो टोटल कॉलम टोटल एंड रो टोटल बराबर होना चाहिए फाइव फाइव टेन ठीक है ना ऐसे टेबल को हम टू ए टेबल कहते हैं तो इसमें हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई ऑफ द डेटा राइट इन एडिशन टू दिस वी हैव ट्रेबल टेबल जो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे हमारे पास बॉयज इनमें से कुछ अर्बन होंगे कुछ रूरल होंगे गर्ल्स भी कुछ अर्बन होंगे और रूरल होंगे तो उसमें क्या आएगा रूरल प्लस अर्बन प्लस टोटल रूरल अर्बन टोटल फिर लास्ट पे रूरल और अर्बन का अलग अलग टोटल फिर फाइनल टोटल तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अब तक आप इतना ही याद रखिए कि हमने टेबल्स को क्लासिफाई किया हियर ऑन द बेस ऑफ दिस पर्पज ऑन द बेसिस ऑफ औरजिनलिटी और अकॉर्डिंग टू औरजिनल एंड अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन तो कंस्ट्रक्शन में हमने दो चीज़ें सीख ली सिम्पल और टू अब इनशा इन द लेक्स लेक्चर वी विल डिस्कस अदर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टेबल्स तो आज के लिए इतना काफ़ी है थैंक यू वेरी मच हैव ए नाइस डे गॉड ब्लेस यू ऑल